हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय लवकेश। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गेज थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, 1 प्लस आईटा रेज टू पावर 6, इसको सॉल्व करना स्टूडेंट्स। तो यहाँ से जो है अगर देखा जाए तो अगर मैं z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आईटा एज्यूम करता हूँ, अगर मैंने एज्यूम किया है, तो इस केस में अगर इसकी पोलार फॉर्म हम लिखते हैं, z की पोलार फॉर्म क्या थी स्टूडेंट्स, r cos थीटा प्लस आईटा sin थीटा, यही होती है स्टूडेंट्स इसकी पोलार फॉर्म, r cos थीटा प्लस आईटा sin थीटा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो r है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ z। मैं बता चुका आपको जो r है वो क्या है, मॉडुलस ऑफ z। तो नाउ मॉड ऑफ z हम फाइंड आउट करेंगे, मीन्स r फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या था स्टूडेंट्स, मॉड ऑफ z अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, क्लियर। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर द रूट 2। तो हमारे पास ये मॉड ऑफ जेड आ जाएगा √2। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, थीटा। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, थीटा। थीटा मीन्स आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के लिए हम पहले क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट कौन सा है। तो एक्स भी पॉजिटिव है, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आईटा वाई से कंपेयर करूँ, तो ऑब्वियसली क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आएगा एंड y ऑल्सो 1, क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे इसके 1 है, तो x भी 1 होगा और y भी 1 होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो x है वो भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है स्टूडेंट्स, वो थीटा होता है अल्फा के इक्वल, थीटा इक्वल्स टू अल्फा। तो नाउ यहाँ से जो अल्फा होगा, अल्फा मैंने आपको बताया था टेन इनवर्स मॉडुलस वाई बाय एक्स होता है, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स होता है हमारे पास जो मॉडुलस होता है। तो वाई की जो वैल्यू स्टेंट वो 1 है और एक्स भी क्या है, 1। तो मीन्स टेन इनवर्स 1/1 कितना है स्टूडेंट्स, 1 आ गया। अब आपने अपोजिट सोचना है, 10 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 1 कब होती है, पाई बाय 4 पे होती है। तो अल्फा बिकम्स पाई बाय 4, जो अल्फा है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है सॉल्व करते हैं इसको, जो जेड की पोलार फॉर्म है स्टूडेंट्स, वो जेड की पोलार फॉर्म आएगी, आर की वैल्यू स्टूडेंट्स √2 है एंड कॉस थीटा, थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, अल्फा आएगा, थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, अल्फा। तो यहां से हम लिख सकते हैं cos पाई बाय 4 प्लस आईटा साइन पाई बाय 4। ये हमने z को पोलार फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन था हमारे पास उसको हमने पोलार फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या दिया स्टूडेंट्स, इसकी पावर कितने दी है स्टूडेंट्स, 6 दी है। z मींस आप लिख सकते हैं यहां पर z क्या है हमारे पास, 1 प्लस आईटा। इस 1 प्लस आईटा की हमने क्या लिखी स्टूडेंट्स, पोलार फॉर्म लिखी। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या 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 कहा आपसे स्टूडेंट्स, जेड पावर 6 बोला है, जेड पावर 6। तो नाउ जेड पावर 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस आईटा रेज टू पावर 6 अंडर द रूट 2 कॉस पाई बाय 4 प्लस आईटा साइन पाई बाय 4 होल पावर 6, क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब मैंने आपको कल डी मॉर्गेज थ्योरम बताई थी स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में, वो क्या थी स्टूडेंट्स, डी मॉर्गेज थ्योरम। अगर क्या हो जाए स्टूडेंट्स, कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा होल पावर एन है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, पावर जो है वो स्टूडेंट्स एंगल में आ जाएगी, तो कॉस एन थीटा प्लस आईटा साइन एन थीटा हो जाएगा। ये हमने डी मॉर्गेज थ्योरम जो है पढ़ी स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसी डी मॉर्गेज थ्योरम को अप्लाई करना है हमें यहाँ पर, ये कंप्लीट की पावर में 6 स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस जो आईटा है, 1 प्लस आईटा की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, 1 प्लस आईटा की वैल्यू कंप्लीट है,
तो 1 प्लस आइटा होल पावर 6 क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस आइटा साइन पाई बाई 4 होल टू द पावर 6। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दो टर्म्स हैं, एक तो ये टर्म्स है और एक ये टर्म है, तो इसका मीनिंग ये हो गया यहाँ पर अगर a इंटू बी पावर 6 है तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि a पावर 6 इंटू बी पावर 6 अलग अलग जाएंगे, a पावर 6 इंटू बी पावर 6। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स अंडर द रूट 2 होल पावर 6 कॉस पाई बाई 4 प्लस आयटा साइन पाई बाई 4 होल पावर 6। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ पर अंडर रूट मीन स्टूडेंट्स पावर क्या होती है, 1/2। अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2। तो 2 रेज टू पावर 1/2 होल पावर 6। क्लियर स्टूडेंट्स? और डी मार्गेस थ्योरम से क्या होगा स्टूडेंट्स, जो पावर होगी वो एंगल में आ जाएगी, पावर्स क्या होगी एंगल्स में आ जाएगी। तो ये जो 6 है यहाँ पर लिखा जाएगा कॉस 6 पाई बाई 4 प्लस आयटा साइन 6 पाई बाई 4 तो अगर हम कैंसिल आउट करते हैं स्टूडेंट्स ये हो जाएगा यहाँ से 2 से 3 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 मीन्स 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर भी क्या जाएगा स्टूडेंट्स 3 पाई बाई 2। अब नेक्स्ट यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास आएगा 2 रेज टू पावर ये 1/2 स्टूडेंट्स 6 से कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट्स कितने पे जाएगा ये 3 पे, तो मीन्स हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 इंटू कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन 3 पाई बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से जो हमारे पास 2 पावर 3 है 2 पावर 3 कितना होगा स्टूडेंट्स 8 और नेक्स्ट कॉस 3 पाई बाई 2 स्टूडेंट्स क्या है कॉस 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 स्टूडेंट्स आपको भी पता होगा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में ये 0 और ये क्या था स्टूडेंट्स पाई बाई 2 नेक्स्ट वन इज पाई एंड नेक्स्ट वन इज 3 पाई बाई 2 ये होगा स्टूडेंट्स। तो 3 पाई बाई 2 कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन पे, तो जो वैल्यू स्टूडेंट्स पाई बाई 2 पे है कॉस की वही वैल्यू किस पे होगी स्टूडेंट्स 3 पाई बाई 2 पे। तो कॉस 90 कितना होता है स्टूडेंट्स कॉस 90 0 तो नेक्स्ट 3 पाई बाई 2 पे भी क्या होगा स्टूडेंट्स 0 होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस की वैल्यू 0 कॉस 3 पाई बाई 2 वैल्यू 0 प्लस आइटा साइन 3 पाई बाई 2 जो वैल्यू 3 पाई बाई 2 पे है वही वैल्यू किस पे होगी स्टूडेंट्स जो वैल्यू पाई बाई 2 पे वो वैल्यू क्या होगी 3 पाई बाई 2 के लिए भी होगी लेकिन चेंज कहाँ आएगा क्वाड्रेंट्स में। तो 3 पाई बाई 2 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट 3 पाई बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट लाई करता है स्टूडेंट्स थर्ड में, तो थर्ड में लाई करता है ये और थर्ड में साइन क्या होता है स्टूडेंट्स नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव और साइन 90 कितना होता है स्टूडेंट्स साइन 90 होता है 1 तो ऑब्वियसली 3 पाई बाई 2 भी क्या होगा 1 होगा लेकिन माइनस का 1 तो हम यहां से लिख सकते हैं माइनस 1। तो अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं आगे नेक्स्ट सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 8 इंटू 0 गया स्टूडेंट्स माइनस आइटा हुई 8 इंटू माइनस आइटा इज इक्वल टू माइनस 8 आइटा जो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन है सेम एज इट इज होगा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस रूट 3 आइटा बाय पावर 12 नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट्स 1 माइनस रूट 3 आइटा होल टू द पावर 12 ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो यहां से स्टूडेंट्स हम ये लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो z पावर 12 दिया हुआ है स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो दिया हुआ जेड पावर 12 मीन्स हमने ये अज्यूम किया कि जो जेड है वो जेड क्या है स्टूडेंट्स 1 माइनस रूट 3 आइटा है। क्लियर स्टूडेंट्स? और जेड की जो पोलार फॉर्म है ये आपको पता होगा जेड की पोलार फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा ये इसकी पोलार फॉर्म होती है स्टूडेंट्स।
तो आर मीन्स मॉडुलस ऑफ जेड। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे आर मॉड ऑफ जेड अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर सम अंडर द रूट। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये सॉल्व करने बाद आएगा 1 + 3। तो 1 + 3 मीन्स 4। अंडर रूट 4 इज इक्वल्स टू 2। अंडर रूट 4 इज इक्वल्स टू 2। तो नाउ हमने मॉडुलस फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? थीटा। आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो थीटा क्या होता है? थीटा से पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंट चेक करेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में? अगर इस जेड को मैं एक्स प्लस आईटा वाई से कंपेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक्स प्लस आईटा वाई से, तो नाउ एक्स क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ से एक्स हो जाएगा हमारे पास 1 एंड वाई, वाई कितना होगा स्टूडेंट्स? माइनस रूट 3। y कितना हो जाएगा? माइनस रूट 3। क्लियर स्टूडेंट्स? y की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से कंपेयर करने पे माइनस रूट 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली कौन से क्वाड्रेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स? x पॉजिटिव y नेगेटिव, 1 - √3 लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और इन फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया है आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो आप आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स? अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो नेक्स्ट वन इज सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स अल्फा मैंने आपको बताया क्या होता है स्टूडेंट्स? अल्फा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, वाई मीन स्टूडेंट्स माइनस रूट 3/1, वाई बाई एक्स। तो माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फिनिश हो जाएगा मॉडुलस से, माइनस क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स रूट 3। अब अपोजिट सोचना स्टूडेंट्स आपको, अपोजिट क्या सोचोगे कि 10 में रूट 3 वैल्यू कब होती है? कौन से एंगल पे होती है? पाई बाय 3 पे, 10 √3। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर थीटा बोला है क्या? माइनस अल्फा के इक्वल, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3 है, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस पाई बाय 3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो थीटा भी फाइंड आउट कर लिया, अब थीटा को पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड मीन्स 1 - √3 आईटा, इसकी पोलर फॉर्म ये है स्टूडेंट्स। तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी है स्टूडेंट्स? 2। एंड कॉस थीटा, थीटा मीन्स माइनस पाई बाय 3 प्लस आईटा साइन माइनस पाई बाय 3। क्लियर स्टूडेंट्स? ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड था, जेड मीन्स 1 - √3 आयटा, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - √3 आयटा, इसकी पोलार फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हमसे क्या कह रहा है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर क्या लेनी है आपको? 12। तो नाउ जेड पावर 12 इज इक्वल टू 1 - √3 आयटा होल पावर 12। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से 2 cos - π/3 प्लस आइटा साइन माइनस पाई बाई 3 होल टू दी पावर 12। कंप्लीट की पावर क्या आ गया स्टूडेंट्स? 12 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट यहां से जो आएगा स्टूडेंट्स, हम फिर मैंने आपको बताया था इंडाइसेस रूल से पावर क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। जो 12 पावर है वो 2 पे अलग हो जाएगी और पोलर फॉर्म पे cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पे अलग हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 12। तो नेक्स्ट यहाँ से cos माइनस पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन माइनस पाई बाई 3 होल टू द पावर 12। तो यहाँ से ही आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 12। डी मॉर्गेस थ्योरम से स्टूडेंट्स पावर क्या आ जाएगी? एंगल्स में आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं इसको cos माइनस 12π/3 प्लस आइटा साइन माइनस 12π/3
3। यस फ्रेंड्स, तो अब इसको यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 4। नेक्स्ट वन 3 से डिवाइड किया जा जाएगा 4। तो फॉर्म आ जाएगी हमारे पास 2 raised to power 12 cos माइनस 4 पाई एक्सपेंस cos माइनस 4 पाई प्लस आयटा साइन माइनस 4 पाई ये होगा। तो cos में जो माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा फिनिश हो जाते हैं, cos में जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा फिनिश। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कि 2 पावर 12 cos होल पावर क्या स्टूडेंट्स 12, ये होल पावर 12 चल रही है तो cos माइनस 4 पाई क्या होगा cos 4 पाई आ जाएगा cos 4 पाई प्लस आयटा सॉरी ये पावर यहाँ पर जो एंगल में आ चुकी स्टूडेंट्स तो ये माइनस 4 पाई ही रहेगा प्लस ये स्टूडेंट्स जो माइनस है यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स माइनस साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स माइनस आयटा साइन 4 पाई। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट 4 पाई जो लाइन है स्टूडेंट्स वो 4 पाई कहाँ लाइन रहेगा ये होता है स्टूडेंट 0। नेक्स्ट वन इज पाई, नेक्स्ट 2 पाई, 3 पाई एंड नेक्स्ट वन इज 4 पाई। मीन्स इवन पाई तो यहाँ लाई करेंगे, ऑड पाई जो है इस साइड लाई करेंगे। तो हम कहाँ पर स्टूडेंट्स एंगल की बात की जाए तो यहाँ पर, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है स्टूडेंट्स जो 2 पाई है वो 4 पाई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव। तो जो वैल्यू 0 पे वही वैल्यू किस पे होगी स्टूडेंट्स 4 पाई पे, जो वैल्यू 0 पे वही क्या होगी 4 पाई। तो cos 0 क्या होता है स्टूडेंट्स cos 0 कितना होता है 1। क्लियर स्टूडेंट्स। तो cos 0 हो जाएगा हमारे पास 2 raised to power 12 1 एंड sin 0 0 ही होता है स्टूडेंट्स। तो ये तो क्या हो जाएगा कंप्लीट आयटा इनटू 0 तो नाउ रिजल्ट आ जाएगा 2 पावर 12 इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 12 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये हमने जो है डी मॉर्गन थ्योरम की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स डी मॉर्गन थ्योरम की हेल्प से इसको और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास इफ जेड इज इक्वल्स टू, इफ जेड इज इक्वल्स टू √3 प्लस आयटा होल पावर 99 एंड 1 माइनस आयटा होल पावर 101 देन फाइंड मॉडुलस ऑफ जेड। हमें मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स। तो नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स पहले पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये √3 प्लस आयटा अलग से स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट वन इज 1 माइनस आयटा। तो जो ये √3 प्लस आयटा है इसकी जो पोलार फॉर्म होगी वो क्या था स्टूडेंट्स पोलार फॉर्म में हमारे पास आर कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा होता है स्टूडेंट्स। तो आर जो है वो मॉडुलस होगा, मॉडुलस क्या आएगा स्टूडेंट्स मॉडुलस अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही होगा स्टूडेंट्स √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, थीटा मीन्स आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के लिए आप लोग क्या देखना पड़ेगा पहले कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो ये √3 तो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स 1 है। तो √3 1 जो है लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा एंड नाउ अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड y बाई x, मॉड y बाई x, y कितना स्टूडेंट्स 1 बाई x मीन्स √3। तो tan इनवर्स 1 बाई √3 कितना होगा स्टूडेंट्स pi बाई 6, 10 में जो 1 बाई √3 वैल्यू है कितने पे होगी स्टूडेंट्स पाई बाई 6 पे होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6।
तो हमारे पास जो पोलर फॉर्म आती है वो कॉस थीटा आती है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा, थीटा मीन्स पाई बाई सिक्स प्लस आयटा साइन पाई बाई सिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेम हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, नीचे भी पोलर फॉर्म लेंगे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो पोलर फॉर्म लेंगे हम, तो सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ जेड आएगा, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, कॉस थीटा हमें क्या चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है स्टूडेंट्स, ये एक्स तो वन है एंड वाई जो है स्टूडेंट्स यहाँ से क्या है माइनस वन, वाई कितना स्टूडेंट्स माइनस वन, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो मीन्स वन कॉमा माइनस वन लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है स्टूडेंट्स माइनस अल्फा, और अल्फा की जो वैल्यू स्टूडेंट्स वो क्या होगी हमारे पास माइनस टेन इनवर्स, माइनस का स्टूडेंट साथ में और अल्फा क्या होता है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो वाई स्टूडेंट्स क्या है माइनस वन बाई वन, माइनस वन बाई वन, मॉड में माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव, माइनस को हम क्या कर देंगे फिनिश कर देंगे, तो रिमूव कर दिया हमने माइनस को, तो यहां से टेन इनवर्स क्या आ गया स्टूडेंट्स वन, तो टेन में वैल्यू वन वैल्यू कब होती है स्टूडेंट्स पाई बाई फोर के, तो नाउ हमारे पास आ गया माइनस पाई बाई फोर, तो थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई फोर, तो इसकी पोलर फॉर्म जो हो जाएगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी हमारे पास कॉस माइनस पाई बाई फोर प्लस आयटा साइन माइनस पाई बाई फोर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये इसके हमने पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो नेक्स्ट अब यहाँ से ये जो स्टूडेंट सॉल्व हो गया आएगा मॉडुलस, ये जो कंप्लीट वैल्यू है स्टूडेंट्स ये क्या थी हमारे पास जेड थी, लेकिन इसकी कंप्लीट पावर क्या थी स्टूडेंट्स 99 और इसकी कंप्लीट पावर कितनी थी स्टूडेंट्स 101, तो पावर सम बाद में भेजेंगे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कितना आएगा यहाँ से थ्री का रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन फोर, रूट फोर मीन्स टू, नेक्स्ट कॉस पाई बाई सिक्स प्लस आयटा साइन पाई बाई सिक्स डिवाइडेड बाय रूट टू, रूट टू हो जाएगा स्टूडेंट्स ये रूट टू इंटू कॉस कॉस माइनस पाई बाई फोर प्लस आयटा साइन माइनस पाई बाई फोर, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट हमारे को क्या दिया हुआ है इसमें न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की जो पावर है वो क्या है 99 है और डिनोमिनेटर की पावर कितनी है स्टूडेंट्स 101, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z रूट थ्री आयटा होल टू द पावर 99 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयटा होल टू द पावर 101, यही है ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स होल टू द पावर क्या लेना है 99 और इसमें कंप्लीट पावर क्या लेना है स्टूडेंट्स 101, ये हमारे पास क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है। तो अब टू पावर कितना लेंगे स्टूडेंट्स 99 एंड कॉस पाई बाई सिक्स प्लस आयटा साइन पाई बाई सिक्स होल टू द पावर क्या लेंगे स्टूडेंट्स 99, सिमिलरली रूट टू पावर 101 एंड कॉस माइनस पाई बाई फोर, स्टूडेंट्स यह आपको पता होगा माइनस क्या करता है फिनिश, कॉस क्या करता है फिनिश कर देता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई फोर भी लिख सकते हैं और साइन में से माइनस क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस आइटा साइन पाई बाई फोर होल टू द पावर 101। क्लियर स्टूडेंट्स, अब टू पावर 99 एज इट इज होगा स्टूडेंट्स और अंडर रूट मीन स्टूडेंट्स क्या होता है अंडर रूट का मतलब क्या होगा पावर 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 1/2 एंड होल टू द पावर 101, तो ये आ जाएगा यहां से 2 पावर 101/2। नेक्स्ट वन डी मॉर्गेज थ्योरम से पावर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स एंगल में आ जाएंगे, जो पावर्स है वो किस में आ जाएंगे स्टूडेंट्स एंगल्स में, तो यहां से हम लिख सकते हैं यहां पर जो हमारे पास जो थीटा आया था यहां पर ये लिख सकते हैं हम कॉस 99 पाई बाई
6 प्लस आयटा साइन 99 पाई बाई 6 ये हो जाएगा फ्रेंड्स। एंड डिनोमिनेटर में भी डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास क्या है पावर्स हो जाएंगे वो एंगल्स में आ जाएंगे, तो कॉस 101 पाई बाई 4 माइनस आइटा साइन 101 पाई बाई 4 ये हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब जो है पावर्स क्या हो जाएगी, ऊपर जाके नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहां से देखते हैं इसको सॉल्व करके। ये आ जाएगा यहां से हमारे पास 2 पावर 99, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स पावर माइनस हो जाएगी, तो माइनस 101 बाई 2। नेक्स्ट वन इज कॉस 99 बाई 6 है फ्रेंड्स, तो 99 बाई 6 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 3 से 2 एंड ये 33 मींस 33 पाई बाय 2, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 33 पाई बाय 2। एंड नेक्स्ट वन इज आइटम साइन 33 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस 101 पाई बाय 4 फ्रेंड्स 101 पाई बाय 4, तो इस 101 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं फ्रेंड्स 100 पाई प्लस पाई 101 को 101 पाई को फ्रेंड्स पाई बाय 4 को हमने 100 पाई प्लस पाई लिख दिया डिवाइडेड बाय 4। तो अब अगर हम 4 को सेपरेट करते हैं फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 सेपरेट कर दिया फ्रेंड्स हमने, तो ये कैंसिल आउट किया कितना है स्टूडेंट्स 25 प्लस पाई बाय 4, तो हम यहां से लिख सकते हैं इसको 25 पाई प्लस पाई बाय 4 100 पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 25 पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस आयटा साइन 25 पाई प्लस पाई बाय 4 क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां से हम एलसीएम लेके जाएंगे पावर में, इस पावर में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे एलसीएम लेके जाएंगे, तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 पावर बेस सेम पावर एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 आएगा, तो 99 इनटू 2 कितना होगा स्टूडेंट्स 198 माइनस 101 कॉस 3 पाई बाय 2। अब ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स 33 पाई बाय 2 33 पाई बाय 2 मैंने आपको बताया कि ऑड पाई बाई 2 कहाँ करेंगे लाइन, जितने भी ऑड पाई बाई 2 हैं वो सारे इस लाइन पे लाई करेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। नाउ यहाँ मैंने दिया 33 पाई बाई 2, तो 33 के एस्पेक्ट्स ऑड है, तो यहाँ पर ये हमें पता नहीं है कि इस लाइन पे लाई तो करेगा लेकिन वो यहाँ करेगा लाई या फिर यहाँ करेगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ ये 4n इंटू 4n प्लस 0 इंटू पाई बाई 2 लाइन होती है और 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 4n प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 एंड नेक्स्ट वन इज 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 2 लाइन होगी। ये प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोज में एंगल अलाइनमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, तो उसमें डीपली समझा रहा हूँ आपको कि ये 4n प्लस 1 4n प्लस 0 पाई बाई 2 ये लाइन होगी इवन पाई और ये क्या होगा स्टूडेंट्स ऑड पाई के मल्टीपल्स होंगे, तो 4n प्लस 1 होगा या 4n प्लस 3 होगा, देखो पाई बाई 2 का मल्टीपल है ऑब्वियसली 33 पाई बाई 2 क्या है किसका मल्टीपल है पाई बाई 2 का, तो पाई बाई 2 का मल्टीपल या तो इधर होगा या फिर इस यहाँ पर लाई करेगा, तो ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे 33 को किससे डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट्स 4 से, तो 33 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 को 4 इंटू 8 प्लस 1, तो कौन सी फॉर्म स्टूडेंट इन दोनों में से प्लस 1 है ना रिमाइंडर 1, तो मीन्स ये 33 पाई बाई 2 यहाँ पर लाई करेगा 33 पाई बाई 2 लाई ऑन दिस लाइन, तो इस लाइन पे क्या होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है और कॉस 90 क्या होता है स्टूडेंट्स 0, इस लाइन पे क्या होता है 90 होता है,
cos 90 0 प्लस आयटा sin 90 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसलिए प्लस आएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय। अब नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स 25 पाई प्लस पाई बाय 4, ये कांसेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या था यहां पर 33 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 था, तो उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया 33 को 4 से डिवाइड करके देख लिया 4 के मल्टीपल में, तो ये रिमाइंडर कितना आ रहा स्टूडेंट्स 1। अगर रिमाइंडर 3 आता तो ये कौन सी फॉर्म आती, कहां पर लाई करता, इस y एक्सिस नेगेटिव ऑफ y एक्सिस पे लाई करता, क्लियर स्टूडेंट्स। लेकिन रिमाइंडर कितना आया स्टूडेंट्स यहां पर प्लस 1 आया, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई कर रहा है और पॉजिटिव y एक्सिस मींस लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos 90 ये कौन सी लाइन है 90, तो 90 पे क्या होता है cos 0 होता है और sin क्या होता है 1 होता है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास 25 पाई बाय पाई प्लस पाई बाय 4, तो 25 पाई स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था जितने भी ऑड पाई हैं 0 2 पाई पाई 3 पाई 5 पाई जितने भी ऑड पाईज हैं वो इस साइड लाई करेंगे, तो 25 भी क्या है स्टूडेंट्स ऑड पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और उसमें क्या ऐड करना है स्टूडेंट्स हमें पाई बाय 4, तो 25 पाई प्लस पाई बाय 4 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट लाई करेगा, और पाई पे क्या होगा स्टूडेंट्स नो चेंज, पाई पे क्या होगा नो चेंज, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस पाई बाय 4 नो चेंज हो गया, एंड क्वाड्रेंट कौन सा स्टूडेंट्स थर्ड, तो थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा प्लस आयटा, पाई पे नो चेंज होगा तो साइन पाई बाय 4 आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो क्या आएगा स्टूडेंट्स नेगेटिव आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 198 माइनस 101 2 पावर 97 बाय 2, क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट ये आयटा है ऊपर न्यूमरेटर में cos पाई बाय 4 कितना होता है स्टूडेंट्स 1 बाय रूट 2, cos पाई बाय 4 मींस 1 बाय रूट 2, तो माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस आयटा बाय रूट 2 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहां से रूट 2 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो रूट 2 ही आएगा, जो एलसीएम आएगा यहां से रूट 2 आएगा, क्लियर स्टूडेंट्स, और रूट 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ये ऊपर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको रूट 2 आयटा माइनस 1 माइनस आयटा, अगर मैं माइनस कॉमन ले जाऊं तो ये हम लिख सकते हैं यहां पर 1 प्लस आयटा माइनस रूट 2, माइनस जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में आयटा नहीं होना चाहिए, ये एंटिटी चल रहा है 2 पावर 97 बाय 2, तो हम क्या करेंगे आयटा 1 माइनस आयटा एंड 1 माइनस आयटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 पावर 97 बाय 2 एंड अंडर द रूट 2 आयटा स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 आयटा माइनस माइनस प्लस रूट 2 आयटा स्क्वायर, रूट 2 आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर इज आयटा स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस रूट 2। नाउ नेक्स्ट वन इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1 माइनस आयटा स्क्वायर, 1 माइनस आयटा स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स आयटा स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस आयटा स्क्वायर होता है माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 मीन्स 2, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2। अब इस कंप्लीट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया स्टूडेंट्स, क्लियर, इसको एक बार लिख लेते हैं इस कंप्लीट को, यहां से जो हमारे पास सॉल्व हो के आया कंप्लीट वो z इज इक्वल्स टू रूट 3 प्लस आयटा होल पावर 99 1 माइनस आयटा होल पावर 101 इज इक्वल्स टू 2 पावर 97 बाय 2। यहां से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो माइनस रूट 2 कॉमन ले सकते हो और रिमेनिंग हो जाएगा आयटा प्लस 1 या 1 प्लस आयटा भी बोल सकते हो आप इसको 1 प्लस आयटा डिवाइडेड बाय क्या स्टूडेंट्स 2। अब हमें क्या करना है इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेना है, इसको कंप्लीट नंबर का क्या लेना है मॉडुलस, तो इस कंप्लीट नंबर का जो मॉडुलस है क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना था मॉडुलस ऑफ जेड, तो कंप्लीट नंबर का जो मॉडुलस आएगा स्टूडेंट्स
वो यहाँ से इस कंप्लीट नंबर का हमें क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। तो 2 पावर 97/2 तो एज इट इज रहेगा और ये 2 भी डिवाइड में एज इट इज रहेगा। क्लियर फ्रेंड्स? अंडर द रूट यहाँ पर क्या था, माइनस था, तो मॉडुलस लेने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस। तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू आ जाएगा एज इट इज। अब जो मॉडुलस लेना है फ्रेंड्स हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लेना है, 1 प्लस आइटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेना है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा फ्रेंड्स वो क्या आएगा, अंडर रूट टू, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, अंडर रूट टू आ जाएगा फ्रेंड्स इसका मॉडुलस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 पावर 97 बाई 2 एज इट इज फ्रेंड्स, अंडर रूट टू, इसका मॉडुलस आया फ्रेंड्स अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय 2। अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू कितना हुआ, 2 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो रिजल्ट इज 2 पावर 97 बाई 2। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये इसका मॉडुलस फाइंड आउट होने के बाद आंसर आ गया। तो ये हमने एप्लीकेशन ऑफ डी मॉल्वेज थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे 2-3, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन।